नमस्कार दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपने आप को आधुनिक कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में आधुनिक हैं? क्या महंगा मोबाइल, बड़ी सी कार खरीद लेने से हम आधुनिक हो जाते हैं? क्या महंगे कपड़े पहनने और मादक पदार्थ का सेवन करने से हम आधुनिक हो जाते हैं? ये सारी चीजें पा लेने को हमने कामयाबी का मार्ग बना लिया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आधुनिकता के स्तर तक पहुँचने के लिए समाज की रूढ़ियों को पार करना होता है। यहाँ आधुनिकता का अर्थ ये है कि मौजूदा सामाजिक विकास के विधि संगत तय मूल्यों को हम बिना किसी किंतु परंतु के अपने जीवन में किस स्तर तक उतारते हैं और उनका प्रसार करते हैं। मुझे अक्सर लोग शादी करने की सलाह देते हैं, उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को बहुत दबा के रखा होता है। वो लोग खुद को बड़ा आधुनिक मानते हैं, मगर असल में बहुत से लोगों के दिमाग में गोबर भरा रहता है। उनके लिए महिलाएं कभी बराबर का हक नहीं रखती, चाहे फिर वो नौकरी करके उनसे ज्यादा ही क्यों न कमा रही हो। हैरानी की बात यह है कि उन कामकाजी महिला के बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी उनके पति का होता है। तो स्पष्ट है कि कामकाजी महिला अपने पैसे भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। बहुत सी गृहिणियों के बैंक खाते में ज्यादा पैसे नहीं छोड़े जाते। क्यों नहीं छोड़े जाते, इसका कारण आप जानिए। आप अपने आसपास देखिए, कितने ही लोग पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करते हैं। ऐसी काबिल लड़कियों को शादी के बाद चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया जाता है, इस अपेक्षा के साथ कि घर के काम से सारे परिवार को खुश रखे। अपनी बात रखने पर बदतमीज और चुपचाप सहना संस्कारी माना जाता है। लड़कियों को अगर प्रोत्साहन मिले तो वो क्या नहीं कर सकती, मगर समाज में इक्का दुक्का ही ऐसे लोग होते हैं जो सुलझे हुए और पारिवारिक मूल्यों को समझने वाले होते हैं। बाकी भूसा भरे लोगों की तो कमी नहीं है, ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे आधुनिकता वाले। मुझे तो काम के सिलसिले में ऐसे लोगों से सामना होता रहता है। आपको भी अगर ऐसे लोग मिले हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।